ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जेएनयू में छात्रों के ऊपर हुई हिंसक घटना पर हमीरपुर में छात्र संगठन ने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू कर दिया है। हमीरपुर में जहां एनएसयूआई ने हिंसा के पीछे केंद्र सरकार को दोषी ठहराकर जिलाधीश के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा, इस तरह की घटनाओं पर अंकुश लगाने की भी मांग की, तो वहीं एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने हिंसा के लिए एसएफआई को दोषी करार दिया। जेएनयू में छात्रों के ऊपर हुई हिंसक घटना पर हमीरपुर में छात्र संगठन ने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। हमीरपुर में जहां एनएसयूआई ने हिंसा के पीछे केंद्र सरकार को दोषी ठहराकर जिलाधीश के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजकर इस तरह की घटनाओं पर अंकुश लगाने की मांग की है, तो वहीं एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने हिंसा के लिए एसएफआई को दोषी करार दिया है। एनएसयूआई जिला अध्यक्ष टोनी ठाकुर ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार के इशारे पर बेकसूर छात्रों पर अत्याचार किया है और इस दौरान पुलिस पे मूक दर्शक बनी रही। उन्होंने कहा कि छात्र वर्ग को दबाने की कोशिश सरकार करने में लगी हुई है, लेकिन एनएसयूआई ऐसा कतई नहीं होने देगी। उन्होंने सरकार को चेताया कि ऐसी घटनाओं पर जल्द रोक लगाई जाए, नहीं तो छात्र सड़कों पर उतरकर उग्र आंदोलन करेंगे। आज हम लोग जो हैं वो माननीय डीसी महोदय के माध्यम से जो भारत के राष्ट्रपति महोदय हैं उनको जेएनयू में जो घटना जो हुई है 5 तारीख को उसके विरोध में जो है हम लोग जो हैं वो ज्ञापन देंगे। आपको ज्ञात होगा कि जेएनयू में कुछ अज्ञात लोगों ने जो सरकार के इशारे पर, क्योंकि आप लोगों को यह जानकर हैरानी होगी कि वहाँ पर पुलिस भी और जो वहाँ पर सिक्योरिटी स्टाफ था वो मूक दर्शक बना रहा, और जो छात्र जो वहाँ पर फीस वृद्धि के विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे, अन्य मार्च निकाल रहे थे, उन पर जो है वो जानलेवा हमला हुआ है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और भारत पूरे विश्व में अपने लोकतंत्र प्रणाली के लिए और अपने जो हिंसा और सत्य है उसके लिए जाना जाता है, लेकिन जिस प्रकार की घटनाएं आम लोगों को तानाशाही सरकार के द्वारा दबाने की, विशेषकर छात्र वर्ग को दबाने की सामने आ रही है, तो भारत और पाकिस्तान में क्या अंतर रह जाएगा। भारत जो है पूरे विश्व में अपने लोकतांत्रिक छवि के लिए विश्वविख्यात है और हम लोगों को गर्व है कि हम भारत के वासी हैं, लेकिन इस तरह की घटनाएं, इस तरह के अगर इंसिडेंट छात्रों पर होंगे तो ये कहीं ना कहीं भारत की लोकतांत्रिक छवि के लिए और भारत की आत्मा पर बहुत बड़ी जो है वो ठेस पहुंचाने का काम करेगी। एनएसयूआई इसका विरोध करती है और हम मांग करती है कि सरकार, केंद्र की सरकार जो है वो इस तानाशाही रवैये के ऊपर जो है वो रोक लगाए, नहीं तो छात्र जो है वो सड़कों पर उतरकर इस सरकार के विरुद्ध जो है वो आंदोलन करेगा। जय हिंद। हमीरपुर के गांधी चौक पर एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने एसएफआई के खिलाफ नारेबाजी की। एबीवीपी के कॉलेज इकाई अध्यक्ष हनी शर्मा ने एसएफआई पर जेएनयू में माहौल को खराब कर उसका दोष एबीवीपी पर लगाने के आरोप लगाया और कहा कि एसएफआई हर बार हिंसा कर उसके लिए विद्यार्थी परिषद को बदनाम करती है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में केजरीवाल सरकार भी छात्रों के साथ भेदभाव कर रही है और जेएनयू में हिंसा सोची समझी साजिश है। जेएनयू में हुई बहुत ही शर्मनाक और निंदनीय घटना जो कि हाल ही में जेएनयू में घटित हुई, जिसमें 500 से ज्यादा संख्या में कम्युनिस्ट जो छात्र थे उन्होंने विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं पर जो जानलेवे हमले किए, जिसमें छात्रा व छात्र दोनों कार्यकर्ता जो घायल किए गए, उसमें ये एक सोची समझी चाल थी। यदि एक इस तरह से इस चाल को खेला गया कि जैसे ही लड़ाई हुई उसके बाद तुरंत योगेंद्र यादव जी वहां पहुंच गए, अगर और मीडिया में ये बताया गया कि विद्यार्थी परिषद जो है वो हिंसा का माहौल बना रही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है और ये लोगों में एक धारणा पैदा कर रहे हैं जिससे ये लगे कि विद्यार्थी परिषद जो है वो हिंसा का माहौल बनाती है और यूनिवर्सिटी में हर बार वही हिंसा करती है। लेकिन इसमें हुआ ऐसा कि ये केजरीवाल और अन्य जो वहाँ पर राजनीतिक दल है उनकी भी एक सोची समझी चाल थी। जब ये जामिया में हुआ, जो जामिया में जो घटना घटित हुई थी, तब भी केजरीवाल ने
कहा था कि यहाँ पर छात्र सुरक्षित नहीं है और जेएनयू में भी यही कहा गया कि यहाँ पर छात्र सुरक्षित नहीं है। जामिया जो उसमें जामिया यूनिवर्सिटी में जो लड़ाई हुई थी, वो जो पथराव हुआ था पुलिस वालों पर, वो भी एक सोची समझी चाल थी। पहले उन्होंने पुलिस प्रशासन से सुरक्षा मांगी और उसके बाद जब स्थिति संभालने की बात आई तो उन्होंने कहा कि ये छात्रों पर और जो विद्यार्थी हैं उन पर अत्याचार कर रहे हैं। तो विद्यार्थी परिषद ने यह धरना प्रदर्शन आदि इसलिए किया क्योंकि हम चाहते हैं कि केंद्रीय सरकार जो वहाँ पर गुनहगार थे, जो नकाबपोश जो दोषी हैं जिन्होंने मारपीट की हुई है, उन पर उपरोक्त कार्रवाई करे और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दे।